जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका इस वीडियो में। ये मेरे जो सामने आप ट्रेन देख रहे हैं, एक्चुअली सीटेट में, पेपर वन में, ईवीएस में दोस्तों अक्सर ट्रेन से संबंधित एक सवाल पूछता है आपसे। सवाल क्या पूछेगा? सवाल पूछ देगा कि टोटल डिस्टेंस निकालिए, या फिर चली गई कोई दूरी निकालिए, कुल समय निकालिए, या औसत चाल निकालिए। ये है तो मैथ का सवाल, लेकिन पूछता है किस में? ईवीएस में। और दोस्तों ईवीएस में अगर मैथ का सवाल पूछेगा तो बहुत मुश्किल नहीं पूछेगा, बहुत ही इजी पूछेगा, बहुत ही आसान पूछेगा, और आसान होता भी है। तो सीटेट के पेपर वन के ईवीएस में जितने भी ट्रेन से संबंधित सवाल पूछे गए हैं, आपके सेट में, एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको मैं यहाँ पे लेके आया हूँ और डिस्कस करूंगा। आपका ये एक टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो जाता है तो संभवतः एक प्रश्न आपको तो एग्जाम में मिल जाएगा। सवाल देखिए कैसे पूछता है, फिर उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब जैसे इस सवाल को देखिए, इसी तरीके से सवाल आप देखेंगे तमाम सवाल पूछे गए हैं। जैसे 1 जनवरी 2022 के शिफ्ट में ये सवाल पूछा गया था सीटेट के, ठीक है। सवाल देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि त्रिवेंद्रम से गांधीधाम के बीच की दूरी कितनी है? 2268 किलोमीटर, मतलब 2268 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। और कोई ट्रेन, कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 72 घंटे में कवर कर लेती है, तय कर लेती है। तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशन के बीच की रेल औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में निकालिए। सवाल दोस्तों ऐसे ही पूछेगा, बस इसमें दो ट्रिक है। दो ट्रिक क्या है? पहला ट्रिक ये है दोस्तों कि हमारा जो यूनिट, जो डिस्टेंस दिया है वो किलोमीटर में दिया है, और जो हमारा समय दिया है वो किस में दिया है? आवर्स में दिया है, घंटे में दिया है। और जो हमें निकालना है दोस्तों, स्पीड निकालनी है, जो चाल निकालनी है, वो मीटर प्रति सेकंड में निकालनी है। बस छोटा सा कैलकुलेशन है, कुछ नहीं दोस्तों, आराम से इसको निकाल लेंगे। कैसे? देखिए, हमें एक चीज तो पता है कि हम स्पीड जब निकालते हैं, अगर आपसे मैं पूछूं कि कितने की स्पीड से आए हैं, तो आप कहेंगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब हमारी जो स्पीड होती है दोस्तों, हमारी जो स्पीड होती है ना बच्चों, हम स्पीड की फॉर्मूला लिखते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, चाल बराबर दूरी बटा समय। इस सवाल में अगर आप डिस्टेंस देखेंगे तो दिया है 2268, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, और इसमें हमारा डिस्टेंस दिया है कितना, 2268, और हमारा टाइम कितना दिया है? टाइम अगर आप देखेंगे तो टाइम आपको दिया है 42 आवर्स, मतलब 42 घंटे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है और हमें मीटर प्रति सेकंड में निकालना है। तो अगर 1 किलोमीटर की बात करें तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और 1 घंटे में 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड। कुछ नहीं दोस्तों, बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाए। कुछ लोग डायरेक्ट यहाँ पे दोस्तों 5/18 भी लिखते हैं, लेकिन हमें वहां पे कंफ्यूजन हो जाती है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो हमने ऊपर 1000 लिख दिया, ठीक है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो हमने ऊपर 1000 लिख दिया, और 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, आपका निकल के आ जाए। एक जीरो कैंसिल हो गया। 6 से अगर इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 6 3 18, और 4 बचेगा 7 6 42, फिर 4 बचेगा फिर 48, 8 8 से कट जाएगा, ठीक है। फिर अगर आप इसको दोस्तों, आप डायरेक्ट इसको 42 से डिवाइड कर दीजिए। इसको अगर आप 42 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे 6 है, तो यानी कि टोटल आपको इसका कैलकुलेशन, अगर आप 6 से डिवाइड करते हैं इसको, 6 से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो 1.5, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, यानी टोटल आपकी जो वैल्यू आएगी वो 15 आएगी। बस सिंपल सा आपको क्या कर लेना है, इसको सॉल्व कर देना है, 15 इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 15 मीटर प्रति सेकंड इसकी स्पीड हो जाएगी, और आप देखेंगे आपका आंसर यहाँ पे निकल कर आ गया है 15 मीटर प्रति सेकंड। आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको एक दो सवाल करिए, बिल्कुल सही सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल है, बिल्कुल ऐसे ही सवाल लग जाने हैं। दूसरा सवाल देखिए, जो 6 जनवरी के शिफ्ट में पूछा गया था, एज इट इज सवाल है दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है कि मड़गांव और नागर कोयल के बीच की दूरी लगभग 1134 है, ठीक है, किलोमीटर में दिया है। इसकी दूरी कोई रेलगाड़ी 21 घंटे में तय कर लेती है। तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशन के बीच रेलगाड़ी की औसत चाल बतानी है। बिल्कुल भाई, हमें क्या निकालना है भाई, हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी निकालनी, एवरेज स्पीड निकालनी है। हमें पता है क्या, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस हमारा कितना लगा, डिस्टेंस हमारा लगा 1134 किलोमीटर, और समय कितना लगा, समय लगा 21 घंटे, ठीक है। और इसको मीट घंटे और किलोमीटर में दिया है, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए ऊपर 1000 से, और नीचे दोस्तों 60 × 60 हम कर लेंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ठीक है। फिर 6 से इसको क्या कर लीजिए, 6 से इसको डिवाइड कर लीजिए, फिर इसको 6 से अगर आप डिवाइड करेंगे, इस 6 से कर लेते हैं, तो 6 3 6 3 नहीं 6 1 6,
और यहाँ पे हो जाएगा 189, ठीक है। फिर 189 को आप 21 से डिवाइड कर लीजिए। 189 को अगर आप 21 से डिवाइड कर लेते हैं, 189 को अगर आप 28 से डिवाइड करते हैं, 189 को भी 28, तो फिर यहाँ पे 9 बचेगा। इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 90/6। 90/6 मतलब इसकी भी वैल्यू कितनी की 15 आएगी। बस सिंपल सी, बस क्या करना है हमें, इसको सॉल्व कर लेना है। इसकी भी वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई, यानी कि हमारा सवाल क्या आ जाएगा, 15। आप देख रहे हैं किस तरीके से सवाल पूछा है, सेम सवाल पूछ रहे हैं। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ये हमारा सवाल कब पूछा गया था, 7 जनवरी के शिफ्ट में पूछा गया था। क्या कह रहे हैं, लखनऊ से, अच्छा मैं जहाँ रहता हूँ लखनऊ, लखनऊ से नई दिल्ली के बीच की दूरी 504 घंटे है। कोई रेलगाड़ी इसको 7 घंटे में तय करती है तो मीटर प्रति सेकंड में इसकी स्पीड निकालिए, चाल निकालिए। चलिए एक शॉर्टकट देख लीजिए, जैसे हमारा स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो हमारा डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 504, टाइम कितना लगा 7। इसको कई बार लोग क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, सेम वैल्यूएशन है जिसको, इसको कर देते हैं 5/18, ठीक है। 5/18 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, बात वही है। इसको हमने जैसे 5/18 कैसे आया, देखिए ये 1000 हो गया और नीचे आप लिखते हैं 60 × 60, ठीक है। ये जीरो से ये जीरो गया, ये जीरो से ये जीरो गया, ठीक है। और अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5, ये हो जाएगा 3, मतलब आपका 5/18। तो जब भी आपको किलोमीटर प्रति पर आवर से आपको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो आप सिंपली 5/18 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करिए, 5/18 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दी। अब 7 से इसको कट करिए, 7 7 से करेंगे तो 7 7 जा 49 और 7 2 जा 48, 72 हो गया, ठीक है। फिर इसको 18 से कर दीजिए, 3 बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, ठीक है। 4 बार में जाएगा तो ये हो जाएगा 4 और 4 × 5 हो जाएगा 20, यानी कि कितनी वैल्यू आ गई, 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड इस तरीके से आपको क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना। किलोमीटर पर आवर्स को आप अगर 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में अपने आप यहाँ क्या आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए अगला सवाल देखिए, बिल्कुल एज इट इज सवाल है, इसको आपको करना है। ये कौन सा करेगा, आप करेंगे। क्या कह रहे हैं, कोई ट्रेन इतना किलोमीटर की दूरी चलती है और इस ट्रेन को 2 घंटे में, यहाँ कितने भाई, 2 घंटे में। 8 जनवरी को पूछा गया सवाल है, ऐसा कोई सवाल नहीं कि मैं आपको नोट से करा रहा हूँ, ये 8 जनवरी को पूछा गया सवाल है। क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस कितना है 144 और टाइम कितना लगा 2 घंटे। कर लेते हैं भाई, हमें पता है स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। डिस्टेंस कितना है 144, टाइम कितना है 2, और किलोमीटर पर आ रहा है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो हम इसको क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करा देंगे। इसको कर लीजिए, ये हो जाएगा 72 और ये फिर से कर लीजिए 18 × 72, 5 × 20, 20 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर आ गया। देखिए कितना आसान है और कितने आसानी से आपको कर जाना है, बस सिंपल सी एक ट्रिक लगा दीजिए। क्या है हमारा निकाला, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, और अगर यूनिट अलग अलग है, अगर यूनिट अलग अलग है, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में करना है तो आप इसको क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस बस इतना ही से आपको ध्यान में रखना है। अब ये देखिए सेम सवाल को रिपीट कर दिया गया, ये 10 जनवरी को ये पहले भी पूछा जा चुका है, देखिए इसको रिपीट कर दिया गया। लखनऊ से दूरी कितनी भाई, 504 किलोमीटर है और समय कितना लग रहा है, समय 7 घंटे लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। डिस्टेंस कितना है 504, समय कितना लग रहा है 7 घंटे, 5/18 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। क्यों कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर और आर्स में दिया है, किलोमीटर घंटे में दिया है, हमें जो हमारा आंसर है वो मीटर पर सेकंड में निकालना है, इसलिए 5/18 से मल्टीप्लाई करा देंगे। इसको कर लीजिए, इसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो 7 7 जा 49 और 7 7 जा 49, 7 2 जा, ये देखिए 18 × 72, ठीक है, 5 × 20, आपकी वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, आपकी वैल्यू आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। ये रिपीटेड सवाल पूछ दिया दोस्तों, इतना कोई मुश्किल सवाल आपसे नहीं पूछेगा, बहुत इजी सवाल पूछेगा। अगला देख लीजिए, 11 जनवरी के शिफ्ट में पूछा गया सवाल है, इसको आपको करना है, इसे मैं नहीं करूंगा आपको करना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिए, ये बड़ा थोड़ा सा ट्रिकी है, मजेदार सवाल है। इसको कैसे करना है, अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट टाइम नहीं दिया, आपको देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कानपुर रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 432 किलोमीटर है। यहाँ पे तो हमें दे दिया किलोमीटर, डिस्टेंस हमें दे दिया, लेकिन टाइम यहाँ पे नहीं कैलकुलेट करना पड़ेगा। कोई ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 18 को इतने बजे चली और 19 को इतने बजे कानपुर रेलवे स्टेशन पहुंची, तो हम इसमें क्या करेंगे, समय भी हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम पहले टाइम निकालते हैं, और जब टाइम निकालना हो तो इस चीज़ को बड़ा ध्यान से देखिएगा कि ट्रेन कितने दिनों तक यात्रा करी। तो आप देखेंगे 18 को यात्रा करी है, 19 को पहुंची है, मतलब 2 दिन का इसमें समय लगा है, 18 को चली है और 19 को पहुंची है, ठीक है, 2 दिन की इसमें बात की जा रही है।
18 को कितने दिन, 18 को कितने घंटे चली, 18 को कितने घंटे चली, तो भैया 23:45 पर यात्रा शुरू करिए, मतलब रात को। तो अगर 15 मिनट और चल लेगी तो 24, यानी कि 18 को दोस्तों, 18 को उसकी जो ट्रेवल थी वो मात्र 15 मिनट की, पहले दिन वो मात्र 15 मिनट ही चलिए। दूसरे दिन कितना चलिए, दूसरे दिन 7 घंटा 45 मिनट, दूसरे दिन चलिए 7 घंटा 45 मिनट। अब इसको जोड़ेंगे तो 45 और 15 60, मतलब 1 घंटा, टोटल 8 घंटे की यात्रा हुई है। टोटल कितना यात्रा हुई है भाई, 8 घंटे की। ये समझ में आ गया है कैसे निकालना है? पहले दिन कितना चली, 15 मिनट, मात्र 15 मिनट, क्योंकि 15 मिनट चलते ही 24 बज जाएगा, रात के 12 बज जाएंगे, एक दिन अगले दिन 19 में प्रवेश कर जाएगी ट्रेन, ठीक है। तो पहले दिन 15 मिनट और दूसरे दिन 7 घंटे 45 मिनट, तो टोटल कितना, 8 घंटा। और हमारा डिस्टेंस कितना है भाई, स्पीड हमें निकालना है, डिस्टेंस कितना है 4/432, हमारा टोटल टाइम कितना लगा 8, और हम क्या करेंगे 5/18 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर में दिया और हमें मीटर पर सेकंड में निकालना है। तो कर लीजिए भाई, कर लीजिए 8 × 5 = 40, 3 = 32 और 32 = तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4/32 = 54, ठीक है। अब यहाँ पे कर लीजिए 18 × 3 = 54 और 5 × 3 = 15, कितना दोस्तों आ गया आपका टोटल आंसर, कितना गया 15 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या इसमें, कोई समस्या नहीं। कितना आसान सा, कितना सा मजेदार सा सवाल सीटेट आपसे पूछ रहा है, बहुत आसानी से कर जाएंगे, बस इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, मैं कहूँगा कि आप खुद से भी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बस दो चीज़ का करना है भाई, हमें ध्यान देना है, स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, क्या होता है भाई, डिस्टेंस बाय टाइम। अगर यूनिट डिफरेंस है, जैसे किलोमीटर को मीटर में बदलना है और घंटे को मिनट में, घंटे को सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। सेम अगला सवाल आपको खुद कर लेना है, यहाँ पे क्या करें भाई, 23 को चली है और 24 को पहुंची है, चलिए ठीक है, तो पहुंची है, तो ट्रेन दूरी कितना समय लगेगा, टोटल हमारा डिस्टेंस नहीं दिया है, डिस्टेंस भी दिया होगा कहीं, ट्रेन को उस दूरी, समय ही पूछ रहा है बस, ओहो इसमें तो स्पीड पूछ ही नहीं रहा है, बस इसमें समय पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कितना समय लगेगा, बस आप समय निकाल दीजिए, काम खत्म, बस आप समय निकाल दीजिए। तो 23 को चलिए और 24 को पहुंची है, ठीक है, 23 को चलिए बाबू और 24 को यहाँ पे पहुंची है, जरा इसको ध्यान दे दीजिए, एक सेकेंड, चलिए 23 को पहुंची है, पहले दिन 23 को पहुंची है, 24 को पहुंच गई, तो पहले दिन कितना चली है आपको देख लेना है, पहले दिन कितना चली, ये हो गया आवर्स, ये हो गया मिनट, ठीक है। तो पहले दिन कितना चली है, 23 को 11:50 पर छोड़ती है, मतलब अगर 10 मिनट चलेगी तो 12 बज जाएगा, और फिर 12 घंटे मतलब रात को। पहले दिन चलिए दोस्तों, पहले दिन चलिए 12 घंटे 10 मिनट, पहले दिन कितनी चलिए 12 घंटे 10 मिनट। अब दूसरे दिन 17 घंटे 45 मिनट, मतलब 17:45 पर पहुंच रही है, तो 17 घंटे 45 मिनट, 17 घंटे 45 मिनट टोटल इसकी डिस्टेंस दिखेंगे, ये हो जाएगा 55 मिनट, ये हो जाएगा 29 घंटे 55 मिनट, बस यही निकालना था, 29 घंटे 55 मिनट इसकी टोटल टाइमिंग चली है, समय निकाल देना है। अगर यहाँ पे अगर स्पीड पूछता तो किलोमीटर भी देता, डिस्टेंस देता, तो डिस्टेंस बाय टाइम करके स्पीड निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे 10 जनवरी को जो आपको सवाल पूछा था सीटेट ने, उसमें केवल आपको क्या पूछ लेना है, समय निकाल देना है, कोई मुश्किल नहीं। देखिए ये है सारे रेलवे से, ट्रेन से संबंधित सवाल, बहुत आसानी से आप कर जाएंगे। अब मुझे लगता है कि ये सवाल फिर से रिपीट हो गया, 17 को भी ये दोबारा पूछ लिया गया, इसमें हमें डिस्टेंस कितना दिया है भाई, डिस्टेंस दिया है 432, और ट्रेन 16 दिसंबर 2021 को 21:45 पर चलती है और 17 को 5:45 पर पहुंच जाती है। अब देखिए 21:45, अब यहाँ पे देखेंगे 15 मिनट और चलेगी तो 22 और 2 घंटे 22 मिनट, पहले दिन 2 घंटे 22 मिनट और अगले दिन 5 घंटे 45 मिनट, तो ये हो जाएगा दोस्तों 3 घंटे और 5 दिन 8 घंटे। ट्रेन कितना चलिए टोटल, ट्रेन चलिए 8 घंटे, कैसे निकाला मैंने, अब देखिए पहले दिन कितना चली, पहले दिन चली आपका 2 घंटा 15 मिनट, 2 घंटा 15 मिनट चलेगी तो 22 बज जाएगा और 2 घंटे और 24, मतलब पहला दिन खत्म, 24 घंटे की होती है ना भाई 24 घंटे। दूसरा दिन 5 घंटे 45 मिनट चलिए, 5 घंटे 45 मिनट चलिए, अब देखिए 45 + 15 = 60 मिनट हो जाएगा, मतलब 1 घंटा 5 + 7 = 1, टोटल 8 घंटे ट्रेन चली है, टोटल 8 घंटे ट्रेन चली है। इस तरीके से आपको क्या निकल गया, इस तरह से आपको समय निकल गया। अब आपको स्पीड इज इक्वल्स टू फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस बाय टाइम, क्या इसमें यूनिट चेंज है, बिल्कुल यूनिट चेंज है, तो हम क्या करेंगे 5/18 से गुणा कर देंगे, तो डिस्टेंस कितना है 432/8 हमारा निकला था, और यहाँ पे 5/18 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करा देंगे। बहुत ही सिंपल सा सवाल है दोस्तों, यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, 8/45 ये तो पूछा गया था सवाल लग रहा है, यहाँ पे 3 बार में जाएगा, 5 × 3 = 15, कोई दिक्कत नहीं, पूछो सीटेट, चाहे जैसे भी घुमा के पूछो, ऐसे ही पूछेगा ना भैया, या तो हमें स्पीड निकालना है या तो समय निकालना है। चलिए इसको कर लीजिए,
यहाँ पे देखिए, इस सवाल में देखिए इसमें आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस किलोमीटर में दिया है, ठीक है, और आंसर भी किलोमीटर में दिया है, तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भाई हमें मीटर पर सेकंड में निकालना होता तब हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए 21 जनवरी 2022 को पूछा गया सवाल क्या कह रहा है, 10 नवंबर 2021 को ट्रेन ने प्रवेश किया, ठीक है, और वो 22:40 पर चली है और 12 नवंबर को 14:10 पर पहुंची है। दो दिन का समय लगा ना, दो दिन का समय लगा, तो पहले दिन कितनी चली है भाई, पहले दिन और दूसरे दिन 3 दिन, ठीक है, 12 नवंबर के बाद 10 को चली और 12 को पहुंची, यानी 10, 11, 12, 3 दिन के समय में इसका ट्रेवल हुआ। तो पहले दिन कब चली थी, पहले दिन चली थी 22:40 पे, 22:40 का मतलब अगर 20 मिनट और चलेगी तो 23, 1 घंटा 20 मिनट, पहले दिन कितना चली है 1 घंटा 20 मिनट, दूसरे दिन पूरा का पूरा चली है मतलब 24 घंटे चली है, तीसरे दिन कितना चली है 14:10 यानी कि 14 घंटे 10 मिनट, यानी कि जो टोटल इसका समय लगा है दोस्तों वो लगा है 14, 1, 15, 15, 5, 19 और 19 और 20, 19 और 20, 39, 39 घंटे 20 मिनट, 39 घंटे 20 मिनट इसका समय लगा है, ठीक है, और 39 घंटे 30 मिनट, यानी कि देखिए 39 घंटे और 30 मिनट, इसको हम कह सकते हैं 39, 39.5 घंटे, ठीक है, जैसे अगर 60 होता तो 40 हो जाता, तो इसको हम कह सकते हैं 39.5। तो हमारी जो स्पीड होगी बाबू, स्पीड की इक्वल्स टू होगी 1896/39.5। अब जब इसको सॉल्व आप करेंगे तो ये आएगा 48, इसका आंसर कितना आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर, ये दोस्तों 48 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आ जाएगा, इसी तरीके से हमें कर लेना है। चलिए 21 दिसंबर 2021 के शिफ्ट में पेपर 1 CTET में पूछा गया सवाल, देख लीजिए यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति 29 सितंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में गुजरात से चलता है, जो है ट्रेन सूरत को 20:45 पर चली है, ठीक है, 29 को 20 पर चली है और अक्टूबर में पहुंच गई है, सितंबर में, देखिए 29 को पहले दिन, फिर 30 को चली है, फिर 1 को पहुंची है, मतलब 3 दिन इसके लगे हैं ट्रैवल में, ठीक है। अब आइए पहले दिन कितना चली है, 20:45 पर जा रही है, तो 15 मिनट का मतलब 21 और 3 घंटे 15 मिनट, यहाँ पे कितना चल गई 3 घंटे 15 मिनट, मुझे लगता है ये सवाल फिर से रिपीट हो रहा है, और दूसरे दिन टोटल 24 घंटे चली है पूरा का पूरा चली है, और 1 अक्टूबर को जो पहुँच रही है तो 12:45 पर पहुँच रही है, यानी कि 12 घंटे 45 मिनट, टोटल देखेंगे कि दोस्तों 45 + 15 = 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे, और इसको अगर आप जोड़ेंगे तो 3 × 1 = 4, 4 × 8 = 8, 8 × 2 = 10 और 2 × 1 = 30, 40, 40, टोटल 40 घंटे का ट्रैवल ये ट्रेन कर रही है, कितना कर रही है भाई, टोटल ये जो ट्रेन है वो 40 घंटे का ट्रैवल कर रही है, और आपका कितना है भाई 42 किलोमीटर पर आवर, सेम यूनिट है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस हमारा कितना है 2200 और हमारा ट्रैवल कितना है 40, 0 से 0 ख़त्म, यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, 5 × 20 कैरी दो, 5 × 20 टोटल कितना भाई 55, 55 किलोमीटर की प्रति आवर्स की स्पीड से ये क्या करिए, चलिए 55 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, चलिए इसी तरीके से आपको सॉल्व कर लेना, मुझे लगता है ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, सीटेट 22 दिसंबर 2021 को शिफ्ट में पूछा गया था सवाल, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 12 तारीख को चलिए और 14 को पहुंचिए, मतलब 3 दिन ट्रेवल है, पहला दूसरा तीसरा, मतलब 12, 13 और 14, 12 तारीख को कब चलिए 22:30 पर रात को, यानी कि अगर आधा घंटा और चलेगी तो 23 बज जाएगा, 1 घंटा 1 घंटा 30 मिनट, पहले दिन चलिए, दूसरे दिन पूरा चलेगी 24 घंटे और 14 को पहुंच रही है 22:30 पर, 14 को कब पर ये 22:30 पर, यानी कि 22:30 और यहाँ पर कर लीजिए 30, 30, 60, 1 घंटा यहाँ हो गया और 1 घंटा ये, 2 घंटे और 22 और 2, 24 और 24, 24, 48, टोटल 48 घंटे का ट्रैवल इसमें लगा है, टोटल कितना लगा भाई 48 घंटे का समय इसमें लगा है, 48 घंटे का समय, स्पीड कितना है, स्पीड है दोस्तों 25 इसको 48 से आप क्या करिए डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, तो 6 से कर लेते हैं, चलिए 8 से कर लेते हैं, 8 × 6 = 48 और यहाँ पे 8 × 3 = 24, 1 = 19 बचा, 8 × 2 = 16, 3 = 32, 4 × 32, 3 × 2 = 4, फिर से कर लीजिए, 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 24, 54 क्या 54 मीटर पर सेकेंड, ओके मीटर पर सेकेंड है, हमने यहाँ पे गलती कर दी, ठीक है, 54 आया इसको किलोमीटर, इसको आपको क्या करना है 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, इसीलिए यहाँ पे गलती हो जाएगी, ये हो जाएगा 18 × 54 यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, देखा आपने कैसे गलती हो गई, आपको यूनिट बदल लेना है, यूनिट जरूर बदलना है, क्या करना है यूनिट बदल लेना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर दिया है और हमारा जो 54 आया था, 54 क्या है वो किलोमीटर पर आर था, तो
तो हम इसको जब मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से में गुणा करेंगे तो 8 3 54, 18 3 54 और 5 3 15, तो ये हो गया 15 मीटर पर सेकंड। तो देखा दोस्तों, इस तरीके से आपको सवाल सॉल्व कर लेना है। ये सीटेट के सारे सवाल पूछे गए थे, एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप इसको जरूर करिए। सवाल देखिए क्या कह रहा है, कोई रेलगाड़ी इससे 5 जून को चलती है और 7 जून को इतना बजे पहुंच जाती है, डिस्टेंस हमारा इतना है, आप इससे टाइम कैलकुलेट कर लेंगे और आंसर आपको बताना है। यहाँ पे किलोमीटर पर आवर्स में ही बता देना है आपको, वो 5/18 से मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है, किलोमीटर पर आवर्स में ही आपको बता देना है, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, किसी अन्य जानकारी के साथ। फिलहाल अपना खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। ट्रेन से संबंधित सवाल अगर आपसे पूछे जाते हैं तो मैं आशा करता हूँ आप इसको सॉल्व कर लेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, नहीं जुड़े चैनल तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जय नेटवर्क 01 से। जय हिंद, जय भारत।